नायरा कोकिला की बड़ी बहू होती है और वह अपने छोटे देवर की बहू का गृह प्रवेश करती है। माँ जी, सारा सामान तैयार है। हाँ, कोई कमी तो नहीं रह गई है ना? वह बहुत बड़े घर से आई है, कोई भी ऊंच नीच ना हो जाए। गायु अपने पति नक्श के साथ आ जाती है और वह अपने सास से कहती है, मॉम, आपने मेरा वेलकम एक नौकरानी से करवाया है। अरे नहीं बहू, ऐसी बात नहीं है, शादी का घर है ना, इसलिए घर का सारा काम मैं ही करती हूँ, तो थोड़ा थकन हो गई थी इसलिए मैंने इसे कह दिया। ये बात सुनकर नायरा बहुत उदास हो जाती है, लेकिन वे बहुत गरीब परिवार से होती है इसलिए वे अपनी सास से कुछ नहीं कहती है। सुनो, गायु बहुत बड़े घर की लड़की है तो मैंने उसके कमरे में एसी लगवा दिया है ताकि उसको कोई परेशानी ना हो। और हाँ, तुम उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखना, उसको किसी भी चीज की कमी मत होने देना। अब जाओ, उसके लिए मेवे वाला दूध ले जाओ। नायरा गायु के लिए मेवे वाला दूध ले जाती है, तभी गायु कहती है, सुनो, कल 11 बजे मेरे लिए जूस तैयार कर देना, क्योंकि उठते ही मुझे जूस पीने की आदत है। अब नायरा किचन में चली जाती है और घर का सारा काम खत्म करती है, तभी नायरा कहती है, उफ़, ये पीठ दर्द, मेरे तो कितना दर्द हो रहा है, लेकिन ये बर्तन भी तो है ना, इन्हें साफ कर सोना है। कोई बात नहीं, शादी का घर है तो काम तो होता ही है, लेकिन अब मेरी छोटी देवरानी आ गई है, हम दोनों मिल बांट के काम किया करेंगे। नायरा को काम खत्म करते करते 2 बज जाते हैं और देर ही सुबह हो जाती है। तभी कोकिला आती है और कहती है, अरे तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? 8 बज रहे हैं और तुम्हें मालूम है ना, नई बहू आई है, उसके लिए एक से एक पकवान बनाना चाहिए। जी माँ जी, मुझे गायु ने बता दिया था, वह 11 बजे उठी और उठे ही जूस पीती है। हाँ तो जाओ ना, और भी तो काम है, वह निपटाओ। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन नायरा कोकिला से कहती है, माँ जी, अब तो काफी दिन हो गए हैं, आप गायु का खीर में हाथ कब डलवाओगे ताकि वह मेरे साथ काम में मदद करवा सके। ये बात गायु सुन लेती है और कहती है, क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? मैं यहाँ नौकरानी बनने नहीं आई हूँ, तुम जानती हो ना मेरे पापा कौन है और मैं कितने हाई क्लास घर से हूँ, मैं अपने घर पर एक ग्लास तक नहीं उठा के रखती हूँ। तभी कोकिला कहती है, अरे बहू तुम नाराज मत हो, मैं इसको समझा देती हूँ। सुनो नायरा, घर का सारा काम तुम्हें ही करना होगा और गायु का भी करना होगा। तभी नायरा कहती है, लेकिन माँ जी, मैं भी तो इस घर की बहू हूँ और नायरा भी उस घर की बहू है, फिर हम दोनों में इतना भेदभाव क्यों? मैं गरीब घर से हूँ इसलिए आप मेरी इज्जत नहीं करती हो, लेकिन मैं अपने गरीब घर में ही खुश हूँ, मैं जा रही हूँ इस घर को छोड़कर। नायरा घर छोड़ के चली जाती है। कुछ दिन कोकिला घर के सारे काम करने लगी। एक दिन कोकिला गायु से कहती है, अरे गायु बहू, मेरी काफी उम्र हो गई है और मुझसे काम भी ज्यादा नहीं हो, तो तुम मेरे साथ कुछ काम करवा लिया करो। मॉम, आपको पता है ना मैं कोई काम नहीं करती हूँ, आप घर में सर्वेंट क्यों नहीं रखवा लेती? और हाँ, मैं कोई काम नहीं करूँगी। तभी कोकिला कहती है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने अपनी बड़ी बहू को गलत समझा और तुम्हें सर पर चढ़ा लिया। नायरा ने मुझसे आज तक काम नहीं करवाया और तुम मेरे साथ हाथ तक नहीं बंटवा रही हो। मैं अपनी नायरा बहू को लेकर आऊंगी चाहे कुछ भी हो जाए। अब कोकिला नायरा के घर जाती है और वह उससे माफी मांगती है। मुझे माफ कर दो बहू, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे अपनी गलती पर पछतावा है। ये तुम्हारा घर नहीं है, तुम्हारा असली घर वही है। अब नायरा कोकिला को माफ कर देती है और वह कोकिला के साथ घर चली जाती है। गायु भी इस बात को लेकर बहुत ज्यादा शर्मिंदा होती है और वह नायरा के साथ अब घर के कामों में हाथ बटाने लगती है।